नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल कुमार फाइनेंस पर। पिछले सप्ताह का रिकॉर्ड देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिली थी और इसका कारण जो बताया जा रहा था कि स्टॉक मार्केट ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है और बजट जो आने वाला है मार्केट के लिए शायद ये निगेटिव हो, क्योंकि इस गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो अमूमन ऐसा देखा गया है कि स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली है जब जब बजट पेश हुआ है। पिछला अगर कई बजट सेशन देखे तो उसमें कुछ एक ओकेजन को छोड़ के मैक्सिमम टाइम बजट के दिन स्टॉक मार्केट में गिरावट ही देखने को मिलती थी और शायद इसी वजह से इस साल भी बजट की वजह से पहले से भारी गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन 1 फरवरी 2021 को जैसे ही बजट पेश हुआ 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए स्टॉक मार्केट में भारी उछाल देखने को मिला। निफ्टी 50 हो, बीएसई सेंसेक्स हो या निफ्टी बैंक हो, अगर पिछले 20-22 साल के बजट सेशन को देखें तो सबसे ज्यादा इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। निफ्टी 50 में जहां 5% के आसपास बढ़ोतरी देखने को मिली, बीएसई सेंसेक्स में 5% के आसपास, वहीं निफ्टी 50 ने एक रिकॉर्ड बनाया और इसमें करीब 8% बढ़ोतरी देखने को मिली। यानी 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के बजट को स्टॉक मार्केट ने वेलकम किया जिसकी वजह से इसमें भारी उछाल देखने को मिला। निफ्टी हो या बीएसई हो, इसमें इतना ज्यादा उछाल का मतलब है स्टॉक मार्केट में लोगों ने जमकर खरीदारी की और इस उम्मीद में खरीदारी की आने वाले टाइम में इंडियन स्टॉक मार्केट का फ्यूचर अच्छा रहेगा। इस बजट को ध्यान से देखा जाए और पॉलिसी समझने की कोशिश की जाए तो गवर्नमेंट का जो सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, हेल्थ पर है और इनडायरेक्टली रियल सेक्टर पर है जो पिछले कई सालों से सुस्त पड़ा हुआ है। इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसपे फोकस गवर्नमेंट का रहने वाला है और आने वाले टाइम में निश्चित ही इसमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। ये कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस बजट के बाद इसमें तेजी बनी रहेगी उसको जाने, उसके पहले मैं कहना चाहूंगा मैंने एक वीडियो बना रखा था इंडसइंड बैंक पर, उसका टाइमिंग बहुत जबरदस्त था। अगर वो वीडियो देख के इंडसइंड बैंक को आपने खरीदा रहता तो मात्र 2 ट्रेडिंग सेशन में आपको करीब 17 से 18% का मुनाफा हो गया रहता। लेकिन मेरे लिए दुख की बात है कि इस चैनल से जुड़े हुए लोग ऐसे वीडियो नहीं देखते हैं और मैं जो भी डिटेल शेयर करता हूं किसी भी स्पेसिफिक शेयर के बारे में उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, बैंक के शेयर को स्ट्रॉन्गली मैंने रिकमेंड किया था। फिलहाल मैंने उसका लिंक एक बार फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। अब हम जान लेते हैं उन शेयर्स के बारे में जिसमें बूस्ट आने वाला है इस बजट के बाद। इस बजट के हिसाब से गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहने वाला है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री द्वारा ही डेवलप किया जाएगा और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देखा जाए तो लार्सन एंड टुब्रो इसका किंग है और ये लीडिंग प्लेयर है। एक तरह से देखा जाए तो इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा स्टेक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लार्सन एंड टुब्रो के पास ही है, इसलिए मैं इस शेयर को इस लिस्ट में रखूंगा और इसको बाय करने के लिए सजेस्ट करूंगा। देखा जाए तो नॉर्मल कंडीशन में भी शेयर को बाय किया जा सकता है क्योंकि ये काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है और इसका मार्केट कैप काफी ज्यादा है अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की हम बात करें तो। लेकिन इस बजट के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है, उनका स्पेंडिंग काफी होने वाला है और ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री द्वारा किया जाएगा और जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम आएगा तो सबसे ज्यादा उसमें स्टेक लार्सन एंड टुब्रो का ही रहेगा। एनलिस्ट का ओपिनियन देखें तो यहाँ पर 34 एनलिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है और इसमें 94% एनलिस्ट ने बाय का रिकमेंडेशन दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में देखा जाए तो गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा फोकस रोड कंस्ट्रक्शन पर रहने वाला है और रोड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ और भी कंपनीज हैं जैसे अशोका बिल्डकॉन, दिलीप बिल्डकॉन, केनर कंस्ट्रक्शन, उन शेयर को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। डायरेक्ट वे में देखें तो इस बजट में बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं था रियल एस्टेट के लिए, लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट वे में देखेंगे तो गवर्नमेंट इस सेक्टर को भी बूस्ट करने के लिए प्रयास कर रही है। यानी लोग अगर घर खरीदते हैं और उसके लिए लोन बोरो करते हैं तो उनको 1% का डिस्काउंट मिलने वाला है जो होम लोन के अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। इसलिए रियल सेक्टर से बिलोंग करने वाला गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड मेरा पिक होगा। इसमें हालांकि देखा जाए तो केवल 17 एनलिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है और मात्र 41% लोगों ने इसको रिकमेंड किया है बाय करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा अगर रियल एस्टेट को बूस्ट मिलता है तो रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे बड़ा प्लेयर फिलहाल गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड है और सबसे ज्यादा ट्रस्टेड भी है, इसलिए इस शेयर को भी आप कंसिडर कर सकते हैं बाय करने के लिए।
रियल एस्टेट सेक्टर से एक और पीक मेरे लिए होगा डीएलएफ लिमिटेड, और इसमें 16 एनलिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है जिसमें 88% लोगों ने बाय का रिकमेंडेशन दिया है। मैं यहां पर बताना चाहूंगा डीएलएफ लिमिटेड हो या गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड, ये दोनों मेरे पोर्टफोलियो में है और इसको मैं बहुत लंबे टाइम से होल्ड करके रखा हूँ, और आगे आने वाले टाइम में भी मौका मिलेगा तो निश्चित ही उस क्वान्टिटी में मैं बढ़ाऊंगा। जब कंस्ट्रक्शन का काम होगा उसमें मेटल का जरूरत पड़ेगा जैसे सरिया सीमेंट, इसलिए रिइंफोर्समेंट स्टील मैन्युफैक्चर करने वाली टाटा स्टील इस लिस्ट में मेरा चौथा पिक होगा क्योंकि ये ट्रस्टेड ग्रुप से बिलोंग करता है और ये शेयर भी फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है। इस शेयर के लिए 27 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर कर रखा है जिसमें 85% लोगों का मानना है कि इस शेयर को बाय करना चाहिए। वैसे स्टील इंडस्ट्री से आने वाली JSPL या JSW को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ये शेयर भी अच्छे हैं और स्टील सेगमेंट को वैसे भी देखा जाए तो बहुत ही सिलेक्टेड प्लेयर है जो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में सेल करते हैं, इसलिए इस सेक्टर में कम प्लेयर होने की वजह से बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। आप चाहें तो इन तीनों को कंसिडर कर सकते हैं, इसके अलावा सेल जो PSU कंपनी है उसको भी कंसीडर किया जा सकता है क्योंकि उसका भी सेल काफी अच्छा रहता है और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में उसको रिकमेंड किया जाता है लगाने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रीइंफोर्समेंट स्टील के बाद सबसे ज्यादा जरूरत सीमेंट का पड़ेगा, इसलिए सीमेंट सेगमेंट से आने वाली अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड मेरा इस लिस्ट का पांचवा पिक होगा। इस शेयर का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा रहता है इसलिए बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर शायद इसमें इन्वेस्ट करना ना चाहें, लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा ये अपने सेक्टर का लीडिंग कंपनी है और इसके शेयर का वैल्यूएशन हमेशा ज्यादा ही रहेगा और सबसे ज्यादा सीमेंट सेक्टर में इसका मार्केट में ग्रिप है और सबसे ज्यादा प्रोडक्ट इसी का सेल होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या कंपनी में आप चले जाए तो। इसलिए अगर आप चाहें तो इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इसके लिए 41 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है जिसमें 93% ने एनालिस्ट ने इसको बाय का रिकमेंडेशन दिया है। रियल एस्टेट में बूम आने वाला है और लोग जब घर खरीदना चालू करेंगे निश्चित ही उनको लोन की जरूरत पड़ेगी। देखा जाए तो लोन देने के लिए बहुत सारे बैंक और NBFC कंपनी अवेलेबल है इंडिया में, लेकिन NBFC से दो ही कंपनी को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा क्योंकि ये दोनों फंडामेंटली स्ट्रांग है और इनका जो लोन देने का प्रोसेस है वो काफी आसान है, इनका बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है जहाँ पर NPA का खतरा सबसे कम है, इसलिए NBFC से बिलोंग करने वाली पहली कंपनी और इस लिस्ट का छठा शेयर मेरे लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड होगा। देखा जाए तो बजट के दिन इसमें करीब 9.5% का उछाल देखने को मिला, लेकिन अभी भी ये शेयर काफी कम रेट में अवेलेबल है और कोई भी रिटेल इन्वेस्टर इसको एफर्ट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट भी देखें तो हर जगह आपको ग्रीन ही नजर आएगा, इसलिए इस शेयर को बाय करने में रिस्क कम और रिवार्ड ज्यादा है। यहाँ पर 35 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर कर रखा है जिसमें 71% एनालिस्ट ने इसको बाय का रिकमेंडेशन दिया है। इस शेयर का एक और बड़ा खासियत है, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी ये सिंगल डिजिट PE में चल रहा है, इसलिए वहां पर भी एक बड़ा स्कोप दिख रहा है आने वाले टाइम में इस शेयर को राइज करने के लिए। बजट के हिसाब से मेरा सातवां पीक हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ये शेयर भी फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है और इसमें भी NPA का खतरा ना के बराबर है, इसका रेट थोड़ा सा ज्यादा है इसलिए बहुत ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर को शायद पसंद ना आए, इसलिए मैं उनको कहना चाहूंगा अगर आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं, नहीं तो आप LIC हाउसिंग को प्रेफर कर सकते हैं HDFC के ऊपर। इसके लिए 36 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है जिसमें से 86% एनालिस्ट ने बाय का रिकमेंडेशन दिया है। ये शेयर भी करीब 21 के PE पे अवेलेबल है। एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, HDFC हो या LIC हाउसिंग फाइनेंस हो, ये दोनों शेयर भी मेरे पोर्टफोलियो में है और मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके रखा हूँ। अगर आपने बजट को ध्यान से देखा होगा तो गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी घटा दी है गोल्ड इंपोर्ट पर, इसलिए ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में गोल्ड के रेट में और कमी देखने को मिल सकती है, जिससे ऐसा हो सकता है कि गोल्ड रिलेटेड जितने भी ज्वेलरी है उनका सेल बढ़ जाएगा। अगर गोल्ड या ज्वेलरी का सेल बढ़ता है इंडियन मार्केट में उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी टाइटन कंपनी लिमिटेड होगी क्योंकि इसके बैनर तले जो तनिष्क नाम का ब्रांड चलता है और शायद आपने भी देखा होगा क्योंकि तनिष्क के बहुत सारे शोरूम अक्रॉस द इंडिया अवेलेबल है। अगर गोल्ड और ज्वेलरी का सेल बढ़ता है तो निश्चित ही उसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी टाइटन कंपनी लिमिटेड होगी और इसके शेयर होल्डर्स को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा।
वैसे भी गोल्ड हो या ज्वेलरी हो, इंडियन मार्केट में इसका डिमांड कम नहीं होने वाला है, इसलिए इस शेयर को भी आप कंसीडर कर सकते हैं बाई करने के लिए। ये कंपनी भी फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है और सबसे मजबूत घराने से बिलोंग करने वाली ये कंपनी है। वैसे मैंने इस पे स्पेशल वीडियो बना रखा है, थोड़ा सा पुराना होगा लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। उसमें इसका फंडामेंटल एनालिसिस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पूरा डिटेल दिया हुआ है। इस शेयर का एक और बड़ा एडवांटेज है, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड अगर आप खंगाले तो टाइटन के शेयर ने करीब 20% का CAGR दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। एनलिस्ट रेटिंग अगर देखें तो थोड़ी सी निराशा देखने को मिल सकती है, क्योंकि 28 एनलिस्ट ने यहां पर अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें से मात्र 39% एनलिस्ट ने इसको बाय का रिकमेंडेशन दिया है। क्योंकि ये कंपनी कंजम्पशन सेक्टर से आती है, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है और एक विश्वसनीय घराने से बिलोंग करती है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस शेयर को निश्चित ही कंसीडर करना चाहिए आपको बाय करने के लिए। दोस्तों ये रहे टॉप 8 शेयर जो इस बजट बेस हैं, इनका फ्यूचर काफी अच्छा है। वैसे देखा जाए तो नॉर्मल कंडीशन में भी इन शेयर्स को बाय किया जा सकता है, लेकिन चूंकि बजट से और ज्यादा इनको बेनिफिट होने वाला है, इसलिए आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, इस लिस्ट में जितने भी शेयर मैंने बताए ये फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग शेयर है और मैक्सिमम शेयर मेरे पोर्टफोलियो लिस्ट में है, इसलिए अगर आप चाहें तो और एडिशनल रिसर्च और एनालिसिस करके चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो के आखिर में कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो लेके आऊं नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अगर पसंद आया तो लाइक का बटन प्रेस करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।